बिटकॉइन 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 पूरी दुनिया में, बोले तो भारत में बिटकॉइन का इतना ज्यादा चर्चा, किसी मोदी खाना में खड़े रहो या पान की दुकान पे या फिर चाय की दुकान पे, हर जगह बिटकॉइन के चर्चे। बिटकॉइन इतना बढ़ गया, बिटकॉइन इतना बढ़ गया, बिटकॉइन हाई टाइम हाई, ऑलवेज हाई टाइम हाई। बिटकॉइन इतने बड़े चर्चे में है, ये बिटकॉइन है क्या? मैं आपसे पूछता हूं कि आप किसी से प्यार करते हो? प्यार को देखे हो क्या? नफरत को देखे हो? गुस्सा को देखे हो? नहीं देखे हो, सिर्फ इसको फील किया जा सकता है। पैसे देखे हो? अरे हाँ, सबने ने देखा है, छुए हैं, टच किए, सब कुछ किया। उसी तरह कुछ ऐसा भी है प्यार की तरह पागलपन, पैसों में जो नहीं दिखने वाला, क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। आम भाषा में बोला जाए तो डिजिटल करेंसी बिटकॉइन है। आपसे एक बात पूछते हैं कि जब आप पेटीएम से किसी को पैसे देते हैं या पैसे लेते हैं तो आपको एक कूपन मिलता है, वो कूपन कहाँ यूज होता है? पेटीएम के अंदर ही। अगर पेटीएम के बाहर, पेटीएम के बाहर अगर पेटीएम का कूपन यूज होने लगे तो फिर बात ही क्या, लोग हर कोई पेटीएम एक्सेप्ट करने लगेगा। आज एक्सेप्ट करता है सिर्फ ट्रांसफर मनी के लिए, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर के लिए। बिटकॉइन भी कुछ इसी तरह। 2008 में संतोषी नाकामोटो नाम का एक ऐसा व्यक्ति, जिसके बारे में अभी कोई खोज खबर नहीं है, उसने एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की। डिजिटल करेंसी का सिर्फ आइडिया लेकर के आया, शुरुआत नहीं किया, आइडिया लेकर के आया, उसने बनाया। किस पर्पज से? कि सिर्फ आप और हम रहेंगे मनी ट्रांसफर करने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीच में इन्वॉल्वमेंट वाला जो पार्टी रहता है वो कभी कभी आपके लीगल पोजिशन को, लीगल स्टेटस को बैंड कर सकता है। जैसे कि हम लोग नोटबंदी 2016 का भूले नहीं है, हमारे पास हजारों हजार और 500 के नोटें थी, लेकिन एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और सभी 1,500 के नोट पूरे कागज बन गए। तो यानी कि बीच में जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो पार्टी कंट्रोलर रहती है, वो कभी भी हमारे पैसे को कंट्रोल कर सकती है। इसी को देखते हुए उन्होंने शायद, क्योंकि इससे पहले भी एक बार इंदिरा गांधी के समय में, जिस समय 10,000 के भी नोट हमारे भारत में चल रहे थे, उस समय नोटबंदी हुआ था, तो शायद ये सोच करके बनाया हो। आई डोंट नो क्या सोच के उसने बनाया और किस पर्पज से बनाया। लेकिन आज के टाइम में एक छोटा बच्चा, जो स्कूल क्लास कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, पान दुकान, पान सारी, या फिर आपका नाई की दुकान में चले जाइए, चाय की दुकान में चले जाइए, हर एक जगह बिटकॉइन के ही चर्चे हो रहे हैं। आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं बिटकॉइन के बीचों बीच में, ट्रांजेक्शन के बीचों बीच में। अगर ट्रांजेक्शन आपका फॉल्ट होता है तो कोई आपको बचाने वाला नहीं है। हम लोग जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हैं तो पैसे डिपॉजिट करते समय शायद कुछ एक दो नंबर का मिस्टेक हो जाता है। जब एक दो नंबर का मिस्टेक होता है तो बैंक किसी और बैंक में पैसे ट्रांसफर कर देता है गलती से। तो वहां पर जब हम लोग कंप्लेन करते हैं तो 2-4, 10 दिन, सप्ताह दिन में पैसे रिफंड आ जाते हैं, क्योंकि गलती से ट्रांसफर हुआ रहता है और बीच में एक बैंक रहता है जो कंट्रोल करता है कि पैसा किसी गलत आदमी के हाथ में ना जाए। बिटकॉइन में ऐसा कोई नहीं है, कोई कंट्रोलर नहीं है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, नो कंट्रोल्ड बाई एनी वन, कोई भी कंट्रोल नहीं करता है। और इसका ज्यादातर यूज हैकर लोग करते हैं। बिटकॉइन कई दफा, एक दो दफा नहीं, कई दफा हैक हो चुका है। आप जाकर के गूगल में चेक करें। इतने समय मेरे पास या आपके पास नहीं है जो मैं आपको इस वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में आपको कवर कर पाऊं कि कब कब बिटकॉइन हैक हुआ था। अभी रिसेंट में एक फेमस यूट्यूबर कैरी मिनाती का चैनल हैक करके कुछ हैकर्स ने पब्लिक से बिटकॉइन सपोर्ट में लिया और बिटकॉइन लेकर के कोई अता पता नहीं। तो बिटकॉइन को पता करने के लिए आपको 9 दिवया तेल जल जाएगा तो भी पता नहीं चलेगा कहाँ गया, किसको दिए, क्या हुआ, ट्रेस कर पाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन के बराबर है, लोहे का चना चबाने के बराबर है। आज के टाइम में मैं एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, जिसमें स्क्रॉल करते करते मुझे पता चला, एक आदमी लिखा था, एक यूट्यूबर ही था, बहुत भले इंसान थे, वो बता रहे थे हमको कि 100 रुपये में भी बिटकॉइन खरीद लो, फलाना फलाना फलाना, बिटकॉइन ये है, वो है, वो है, ढिमकाना ढिमकाना ढिमकाना, आज से कुछ दिन पहले इतना था, आज इतना हो गया, इतना टाइम हाई है, इतना टाइम लो है। मुझे एक बात बताओ कि जब कोई बंदा, कोई भी एक पेशेंट आईसीयू में भर्ती है और उसका बहुत ज़्यादा हार्ट बीट फ्लक्चुएट कर रहा है, डॉक्टर क्या बोलेगा, इसका बचा पाना बहुत मुश्किल है या फिर कुदरती कोई खेल हो जाए तो ही अच्छा हो। तो बिटकॉइन भी किसी इसी तरह है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस, जिसका कंट्रोलर कोई नहीं है। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो ना तो वहां पर कंट्रोलर है, सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, रजिस्टर्ड है। इसके खिलाफ में अगर आपका बिटकॉइन कहीं हैक कर लेता है, आपका पैसा किसी और गलत जगह ट्रांसफर हो जाता है,
तो आप कहीं केस लिखाने जाओगे ना तो भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 2018 में आरबीआई ने